हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी बताने वाले हैं। आज हम मीठे आम बनाएंगे जो कि बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने आम को छील लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने आम को छील लिया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम ये जो मीठी रेसिपी बनाने वाले हैं आम की, तो इसमें हल्का पका हुआ ये साइड से दिख रहा है तो ये चल जाएगा। तो हम ऐसे आम को निकालेंगे नहीं, हम थोड़ा बहुत पका हुआ है तो इसे भी यूज़ कर लेंगे। हमें इसी तरीके से सारे कट कर लेने हैं। हमने फ्रेंड्स देखिए कट कर लिए हैं। अब हम अपने मसाले रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे मसाले रेडी हैं। ये मैंने 2 बड़ा चम्मच धनिया लिया है, 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया है जो कि मैं पीस लूँगी इसे भी, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, छोटी 2 चम्मच है ये, और ये हमें हींग चाहिए है। हींग हम 2 चुटकी डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई को चढ़ा देते हैं गैस पे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है और ये हमारा ऑयल जो है गरम होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा खड़ा भी जीरा डालेंगे, मैंने पीस लिया है वाला जीरा। हमारा भुन चुका है, अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें आम डालेंगे। मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। ये मैंने हींग ली थी 2 चुटकी। ये फ्रेंड्स मैंने अपने मसाले का मिक्सचर बना मैंने मसाले का मिक्सचर बना लिया था। अभी उन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें पानी अपने हिसाब से डालेंगे। हमें जितनी रसीली अपनी आम की सब्जी चाहिए उसी हिसाब से हमें डालनी है। मुझे थोड़ा और रसीला चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। मुझे इतनी रसीली चाहिए, आपको इससे कम चाहिए हो या इससे ज़्यादा चाहिए हो तो आप उसी हिसाब से पानी को डालेंगे। फ्रेंड्स, ये मिर्च जो हम डालने जा रहे हैं ये ऑप्शनल है। अगर आप मीठी आम में मिर्ची पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो नहीं, मुझे थोड़ी सी डालनी है। अब हम इसे ढक करके पका लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे ढक दिया है, अब हम चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा उबाल आ चुका है, लेकिन अभी हमारी ये आम जो है पकना स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम इसे ढक के थोड़ी देर और पकाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी आम को चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे आम पक चुके हैं, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 100 ग्राम चीनी है। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी गुड़ अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी से भी ये बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। फ्रेंड्स, थोड़े से ग्रीन लीफ डालेंगे हम धनिया के। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं, अब हम आपको परोस के दिखाते हैं।
फ्रेंड्स देखिए हमारे मीठे आम रेडी हैं। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।